हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मैं स्टूडेंट वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक कॉर्पोरेट या बिजनेस फायरवॉल रूल और वेब एंड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं कि किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या क्या चीज़ें हम बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ करते हैं और क्या क्या चीज़ें डिनाई रखते हैं। उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आया हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या चीज़ें हम मिनिमम दे सकते हैं जिससे हमारे नेटवर्क को कोई सिक्योरिटी इशू ना हो। तो आज हम प्रॉपर तरीके से आपको हम वेब और एप्लीकेशन बताएंगे कि किस प्रकार से हम वेब और एप्लीकेशन रूल क्रिएट करते हैं और एक कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें हमको अलाउ करनी पड़ती है। उस टॉपिक पर मेरा वीडियो है, तो देरी नहीं करते चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेब बनाएंगे, वेब फिल्टर बनाएंगे कि हम वेब फिल्टर में क्या क्या अलाउ करते हैं डिफॉल्ट जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे और यहां से हम ऐड पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। हम यहां पे ऑफिस रूल रखेंगे कॉमन, सॉरी ऑफिस रूल इतना ही नाम रखते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड क्लिक कर देते हैं। अब ऐड क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको एक ऑफिस में मिनिमम क्या क्या चीज़ें हमको अलाउ देनी पड़ती है जिससे एक ऑफिस का काम कर चल सके। अगर उस यूजर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट करता है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है कि HR के थ्रू प्रोसेस होगी कि क्या अलाउ करना है, क्या नहीं करना है, वट एवर। तो अब सबसे पहले अब यहाँ पे हम एक ऑफिस के लिए अगर हम पॉलिसी बना रहे हैं तो हम यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि क्या क्या चीज़ें हम ऑफिस में दे सकते हैं। हम यहाँ पे व्यू वॉल पे करते हैं। गाइज ये हैवी बैंडविड्थ हम कभी नहीं देंगे, इसमें स्ट्रीमिंग वगैरह ब्राउजिंग वगैरह काफ़ी हैवी होता है। और कम्युनिटी एजुकेशन ये हमको देना पड़ता है कोई भी अगर हम फायरवॉल कोई भी नेटवर्क में आप बना रहे तो। क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, कल्चरल इंटरटेनमेंट नहीं देना आपको, ड्रग्स ये भी नहीं देना है आपको, जो जो क्लिक अब आपको फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग ये आपको अगर मैं बैंकिंग देनी है अलाउ तो आप क्लिक करना। अगर हम फाइनेंस नहीं देनी तो अभी मुझे बैंकिंग देनी है तो मैं यहाँ पे अलाउ कर, आपको अगर बैंकिंग नहीं देनी तो आप अलाउ नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन कॉमन आपको ये दे देना है। एंड IT वेब कंटेंट अगर मैं आपको वहाँ पे IT वेब कंटेंट के लिए अलाउ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये चेकबॉक्स करना है। लाइफ स्टाइल कभी नहीं देना, स्कूल नॉट सबटाइटल फॉर स्कूल नॉट सबटाइटल फॉर ऑफिस ये भी नहीं देना आपको है, बाकी ये इसको भी नहीं देना। ऑनलाइन शॉपिंग आपको देना है तो दे सकते, अदरवाइज नहीं। और आपको यहाँ पे डाउनलोड रिस्की डाउनलोड नहीं देना है और यहाँ पे आपको सर्च इनेबल कर देना है जिससे वो कुछ भी सर्च कर। अनप्रोडक्टिव ब्राउजिंग आपको नहीं करना है। एडवर्टाइजमेंट आपको देना है क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ कुछ कैप्टिव पोर्टल ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो कपाची होता है वहाँ पे भरने के लिए मतलब जो नंबर्स आते हैं वो शो नहीं होता, जो एडवर्टाइजमेंट के कैटेगरी में आता है। बाकी यहाँ पे आपको कहीं कुछ नहीं देना, जिस पे मैं क्लिक करते जाऊँगा आपको उस पर कंटेंट डिलीवरी देना, नहीं तो उसके मेल्स वगैरह नहीं डिलीवर होंगे, ये आपको चेकबॉक्स करना है। और डाउनलोड आपको अलाउ करना है तो कुछ मेल्स वगैरह के कुछ फाइल्स आती है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ पे देंगे। एजुकेशन आपको देना है तो दे सकते हो, मैं एजुकेशन यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। इंटरटेनमेंट आप डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, फैशन एंड ब्यूटी, फाइनेंशियल सर्विस, आपको बैंकिंग सर्विस देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं क्लिक करेंगे। जो मैं बताते थे जो IGTs आपको फॉलो करना, जनरल बिजनेस आपको अलाउ कर सकते हैं, गवर्नमेंट की साइट्स आप अलाउ कर सकते हैं अगर आपको अपने नेटवर्क में गवर्नमेंट की साइट अलाउ करना है तो अलाउ कर सकते हैं। और हम आगे हैकिंग और हेल्थ केयर की चीज़ें अलाउ कर सकते हैं, अगर हम उनको हेल्थ केयर में कोई चीज़ अलाउ नहीं करनी तो हम यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं। और इमेजेस सर्च इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। और यहाँ पे IP एड्रेस जॉब सर्चेस वगैरह हम सब बंद करके रखेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं देंगे, सब कुछ क्लियर। न्यूज वगैरह कुछ भी नहीं देंगे, नॉन प्रॉफिट्स वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं देना हमको है। ऑनलाइन चैट ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप अपने ऑफिस में ऑनलाइन चैट ऑनलाइन शॉपिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। डोमेन वगैरह पार्क डोमेन वगैरह टोरेंट वगैरह अलाउ कर रहे हैं जो हाई रिस्क की है तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर उसके बाद आपका पर्सनल डेटिंग फिशिंग फ्रॉड ये सारी चीज़ें आपको कभी नहीं अलाउ करनी है। सर्चिंग पोर्टल कुछ पोर्टल साइट होती है, कुछ ईमेल की साइट होती है जो पोर्टल साइट्स में आती हैं आप यहाँ पे उनको अलाउ पे क्लिक करेंगे। और आई थिंक सो मुझे लग रहा है। और यहाँ पे गूगल सर्च इंजन आपको एक्टिवेट कर देना है। और यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग आप अपने नेटवर्क में सोशल नेटवर्किंग साइट से अलाउ कर रहे हैं तो आपको क्लिक करना है, अदरवाइज आपको डिनाई रखना है। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह आप अलाउ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स अलाउ कर दें ताकि यूजर्स का सिस्टम और कंप्यूटर्स वगैरह प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। तो ऑलमोस्ट गाइज हम यहाँ पे ट्रांसलेटर भी अलाउ कर दे, कुछ यूजर्स को अलग अलग कंट्रीज की लैंग्वेज को ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती रहती है। और यहाँ पे वीडियो होस्टिंग ये यूट्यूब के अंतर्गत आता है, अगर हम आप यहाँ पे अपने नेटवर्क में वीडियो होस्टिंग इस पॉलिसी में अलाउ करते तो आप यहाँ पे यूट्यूब वगैरह अलाउ कर सकते, वीडियो कॉल वॉइस कॉल अलाउ करना है तो कर सकते। अब यहाँ पे हम एक वेब मेल है यहाँ पे अलाउ करेंगे। बस गाइज इतनी ही जो है ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम अपने नेटवर्क में
एक कॉमन ऑफिस में हम अलाउ करते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई यूजर्स कहता है हमको इंटरनेट चाहिए, यूट्यूब चलाना है या हमको फेसबुक चलाना है या हमको कुछ ऐसी साइट खोलनी है जो हमें मतलब ऑफिस के में हार्मफुल हो सकता है, तो उसके लिए कुछ परमिशन का पॉलिसी होता है जिसको हम फॉलो करा के उससे एक्टिविटी करा सकते हैं। तो टोटली 18 आइटम्स है, अप्लाई 18 सिलेक्टेड आइटम, इन यही है जो नेटवर्क में कॉमनली जो एक प्योर ऑफिस होता है जिसमें यूज होता है, आप ये कर सकते हैं। इतना हमने गाइस सिलेक्ट के लिए, अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे अलाउ यहाँ पे भी क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि टाइम आपका ऑफिस टाइमली है, तो आप टाइमली सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑल टाइम अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे ऑन, इस रूल को हमने ऑन कर दिया। अब डिफॉल्ट एक्शन में हमारा ब्लॉक रहेगा, मतलब जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया यही सब चलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। बस गाइज इतना ही करना पड़ता है कॉमन ऑफिस के रूल के लिए। ये ऑफिस एक बिजनेस पर्पज या कॉरपोरेट ऑफिस के लिए ये रूल है, जो आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और कोई भी है हार्मफुल चीज़ें इसमें मैंने अलाउ नहीं किया हुआ है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से जस्ट नीचे स्क्रोल डाउन आना है और यहाँ पर कर देना है सेव। तो गाइज जितना मैंने बताया कि हमें ये इस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हैं तो आप एक प्रॉपर कॉरपोरेट आप रूल क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, गो टू रूल में हम जाते हैं और हमने लास्ट वीडियो में हमने एक पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी में हम इस रूल को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एचआर नाम से एक पॉलिसी बनाई है, इसको हमको एडिट करना है। एडिट करने के बाद गाइज हमको नीचे आना है, यहाँ पे हमको क्लिक करना है और यहाँ पे हमने जो पॉलिसी बनाई है अभी है ऑफिस रूल को अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद हमको सेव कर देना है। अब हमने जो पॉलिसी हमने अप्लाई किया हुआ था वर्जन 18 में, ये सारी पॉलिसी अप्लाई हो गई हैं और वही चीज़ें चलेंगे जो हमने मतलब जो सिलेक्टेड आइटम जो भी हमने साइट्स वेबसाइट URL सेलेक्ट किया है वही सब अलाउ हैं, बाकी सारी चीज़ें डिनाई हैं। तो मैं जो डिटेल बता रहा हूँ गाइज आपको काफ़ी डिटेल मिला होगा जिससे समझ में आएगा। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फिल्टर की तरफ। हमने क्लिक कर दिया है वेब फिल्टर, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फिल्टर की तरफ। एप्लीकेशन में गाइज आपको जाना है, एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे जैसे गाइज हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया टैब हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पे हमको नाम देना है, यहाँ पे ऑफिस एप्लीकेशन ऑफिस और यहाँ पे अलाउ कंटेंट रखना है, इसको सेव कर देना है। अब हमने एक ऑफिस के लिए एप्लीकेशन फिल्टर बना रहे जो हम मिनिमम एक्सेस देंगे जिससे हमारे नेटवर्क में कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी ना हो। अब हम इसको वापस यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफिस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हम जो भी सिलेक्ट करेंगे मिनिमम जो ऑफिस में आपके लिए हार्मफुल ना हो वही हम पॉलिसी बना रहे हैं। ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं एक एक करके तो ये नहीं कहते। हम यहाँ पे ना कैटेगरी कर सकते हैं, कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ पे देखिए फाइल ट्रांसफ़र है, फाइल ट्रांसफ़र हमको नहीं देनी है। यूजर्स इसमें काफ़ी रिस्की होता है, जैसे आपका इनडेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूज करके आपका नेटवर्क में कुछ भी इशू कर सकता है। अब यहाँ पे हम जनरल इंटरनेट पे आते हैं, ये हम इसको दे देंगे जनरल इंटरनेट जो भी होती है। मैसेजिंग हमको नहीं देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना आपको, नेटवर्क सर्विसेज आपको देनी है, P2P नहीं देना आपको। जिन ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वही चीज़ आप रिमोट एक्सेस वगैरह आपको देना है तो आपको जैसे इनडेक्स वगैरह या अलग अलग मीडियम के थ्रू करते हैं एक्सेस तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रीमिंग मीडिया नहीं देना है, YLP देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे डाउनलोड हम दे देते हैं कि कोई फाइल्स वगैरह कुछ डाउनलोड करेगा तो यूजर डाउनलोड। वेबमेल हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेस करेंगे, सोशल नेटवर्किंग अगर हम आपको वहाँ पे अलाउ करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हम यहाँ पे ऑफिस में सोशल नेटवर्किंग नहीं अलाउ कर। डेस्कटॉप मेल हम अलाउ कर देंगे जैसे उसका आउटलुक वगैरह चलते हैं। इंडस्ट्रियल कंट्रोल हम अलाउ कर देंगे जिससे उसका नहीं हो। स्टोरेज एंड इसमें हम जैसे स्टोरेज पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें जैसे आपका हम गूगल ड्राइव हो गया या फिर अलग अलग बहुत सारे जो ऑनलाइन स्टोरेज आते हैं उसको देना है तो हमें आप दे सकते हैं, लेकिन एक ऑफिस में ये अलाउ नहीं होता है क्योंकि वो डेटा चोरी हो सकता है आपका। ई कॉमर्स साइट्स आपको अलाउ करना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्लिक कर सकते। बस इतना ही आपको करना है, आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको अलाउ पे चेकबॉक्स करना है एंड सेव कर देना है। जितना हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है यही सारी चीज़ें अलाउ होंगे, यही ऑप्शन सारे अलाउ होंगे और बाकी आप एप्लीकेशन फिल्टर रूल हैज बीन क्रिएट सक्सेसफुली ऐसा हमको मैसेज आ गया और ये अभी डिस्प्ले भी हमको हो जाएगा। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो किसी भी ऑफिस में होती है, तो इतनी सारी हमने अलाउ रखा है और इसको हमको कर देंगे सेव। अब सेव करने के बाद गाइस क्या होगा कि अब हमको इसको करना है अप्लाई अपने रूल में, तो हम यहाँ से जाएंगे रूल एंड पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे। रूल एंड पॉलिसीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट HR रूल पे क्लिक करना हमको है और टेस्ट HR रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नीचे चलेंगे
हमने यहाँ पे अभी लास्ट में हमने अभी किया कि वेब पॉलिसी अप्लाई किया, अब यहाँ पे एप्लीकेशन में हम आएंगे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफिस पर क्लिक करेंगे एंड अप्लाई कर देंगे। अब जो मैंने ये बताया हुआ ऑप्शन सर, अगर आप लोग इसको अप्लाई करते हैं तो एक मिनिमम जो मतलब जो बेस्ट सिक्योरिटी होती है जो अपने नेटवर्क को आपको देना है, वैन से प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करके ये वीडियो बनाया हुआ है। तो ये प्रॉपर एक कॉरपोरेट ऑफिस में जो जिस तरह से हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं सेम लाइक दैट हमने ये करके दिखाया हुआ है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।